युगांडा के लिए इससे ज्यादा हिस्टोरिकल और क्या हो सकता था कि वो अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और उसी में उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसे ऐसी टीमें हैं जिन्होंने पहले T20 वर्ल्ड कप में ही अपने जीत दर्ज की है, लेकिन ये भी उस लिस्ट में कहीं ना कहीं जाकर एड ऑन हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं लग भी रहा था, एक्सपेक्टेड था कि युगांडा वर्सेस PNG जो मैच होगा, यहाँ पर युगांडा के पास एक बहुत अच्छा मौका रहेगा कि वो PNG को मात देकर अपने पहले ही वर्ल्ड कप में, या यहाँ तक कि PNG अभी तक वर्ल्ड कप में एक भी मैच बिल्कुल नहीं जी जीत हाँ, पाई है, यहाँ पर युगांडा जीतने में काम बहुत कर अच्छा, हुआ है। बहुत 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 ही बहुत कांग्रेचुलेशन अच्छा। पूरी युगांडा टीम को जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी रही है। नो डाउट बहुत सारी चीजें उसमें भी बात करने के लिए हैं, लेकिन पहले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते जरूर हुए और जरूर किस तरह का क्रिकेट वो खेल कर आते हैं उस लिहाज से देखते हुए, ये एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट जीत उनके उनके कंट्री के लिए रहेगी कि वर्ल्ड कप में आए, पहले ही सब एक्साइटेड थे, उसमें जीत भी मिल गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा बूस्टअप है। कांग्रेचुलेशंस युगांडा को। अब कांग्रेचुलेशन। बात करते हैं इस मैच के बारे में। एंड सबसे पहले यहाँ PNG ने बैटिंग की, बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, बैटिंग कार्ड ऑलरेडी आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरी बैटिंग आना पहना देख रहे हैं। क्या दिक्कत हुई आज PNG की, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह का क्रिकेट PNG खेलने की कोशिश कर रहा था वो क्रिकेट बिल्कुल भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं था। और PNG के जो टॉप 5 से 6 बल्लेबाज हैं वो सिर्फ एक ही तरीके से खेलने के लिए गए, एक्सक्लूडिंग असद वाला, हवाई शॉट और अननेसेसरी उठाकर शॉट मारने के लिए गए थे। नहीं जरूर, देखिए फिर से वही बात आ गई कि हमने अभी शायद कल कल ही हमने ये बात की थी कि स्ट्रोक प्ले पर यहाँ काम नहीं चलेगा। ये दिमाग में बैठाने की जरूरत है टीमों को कि USA और वेस्टइंडीज में जो हम क्रिकेट देख रहे हैं वो स्ट्राइक रोटेशन का क्रिकेट ज्यादा है बजाय स्ट्रोक प्ले के। जी हाँ, आपको स्ट्राइक अपने पहले स्ट्राइक रेट को आपने बढ़ाते हुए अपना लगाते हुए चलना है, यानी कि आप स्ट्राइक रोटेशन करें, माफ कीजिएगा स्ट्राइक रेट नहीं, स्ट्राइक रोटेशन करें, जी हाँ, उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। तो ये PNG में भी हमें देखने को नहीं मिला। एक और डे आया जहां पर हमें ये फिर से मिसिंग नजर आया, स्ट्राइक रोटेशन। यहाँ पर प्लेयर डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, उसके बाद हिट के लिए जा रहे हैं, जी हाँ, ऐसा नहीं कि वो सिंगल डबल निकालने के लिए जा रहे हैं बजाय स्ट्रोक प्ले के लिए जा रहे हैं, यानी कि दो बॉल डॉट खेली उसके बाद सीधा तीसरी बॉल के लिए छक्के के लिए ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल तो यही यही PNG की सबसे बड़ी गलती रही है सारे बैट्समैन की, टॉप 5 6 की। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमने हाल देखा है उसके बाद आप देखें स्कोर कार्ड, लेगा साई का 12, हिरी हिरी 15 और किपलिंग धोनी का 15 रन, यही बस थोड़ा सी कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। लेकिन बल्लेबाजी जो रही है PNG की वो अप टू द मार्क बिल्कुल नहीं रही। PNG जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 भी खेलकर आई जी है, हाँ, इस तरीके के पिचेस पर वो काफी क्रिकेट खेले हैं, जगह जगह जाकर खेले हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरीके का एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस वो दिखाएंगे यहाँ पर। उनको एक्सपीरियंस है खेलने का, बल्लेबाज है उनके पास, लेकिन तरीका खेलने का बहुत ही पुअर नजर आया। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही पुअर इंटर नजर आया, सिर्फ हवा शॉट्स के लिए गए प्लेयर्स, डॉट बॉल से टैकल करने का उनके पास जो आइडिया था वो था कि मैं उठाकर मारू, बस बस ये सबसे बड़ी दिक्कत रही PNG की आज, और यही खामियां से उगता। ये आपने सही कहा, 8 साल उनके पास ODI स्टेटस था, देख क्रिकेट लीजिए यहाँ आप पर लीग टू, बिल्कुल वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कहां मैचेस नहीं पर खेले। खेले हैं, T20 वर्ल्ड कप भी उनका दूसरा है, उनसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस डेफिनेटली ये बिलो एवरेज भी नहीं, ये पुअर परफॉर्मेंस में आएगा उनकी बैटिंग यूनिट में। इससे ज्यादा रन हो सकते थे, जरूर हो PNG के सकते थे बैट्समैन को ज्यादा जी ब्लेम हाँ। जाएगा बजाय पिचेस वगैरह को लेकर, यहाँ पर भी खेला जा सकता था। युगांडा के बॉलर्स एंड क्या उन्होंने डिफरेंट करने की कोशिश की है, बॉलिंग कार्ड ऑलरेडी स्क्रीन पर आ रहा है, नंबर सब देख ही रहे हैं। युगांडा के बॉलर्स ने क्या सिंपल प्लान आपका आज नजर आया, आज उनकी पूरी बॉलिंग यूनिट में क्या कर रहे थे सारे बॉलर्स? बिल्कुल, देखिए स्टंप लाइन को और दो चीजें की है युगांडा के बॉलर्स ने, एक है स्टंप लाइन पर रखना और दूसरी रूम ना देना। ज्यादा बल्लेबाजों को रूम नहीं दिया है। जो बल्लेबाज आप क्रिकेट देखेंगे, जिन्होंने मैच देखा होगा जरूर देखा होगा, तो आप देखेंगे जब भी शॉट बल्लेबाज मार रहे हैं वो बॉडी पे बॉल, आप चाहे तो देख सकते हैं उठाकर बोल्ड हो रहे हैं, LBWs हो रहे हैं या हवाई फायर जो स्ट्रोक प्ले भी कर रहे हैं आगे बढ़कर, वो सब बॉडी में है। तो इसका क्रेडिट जरूर देना होगा हमें यहाँ पर युगांडा बॉलर्स को कि बॉडी लाइन और स्टंप रूम लाइन, ना देना, स्टंप लाइन पर बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। लेंथ बहुत अच्छा पकड़ा है यहाँ पर युगांडा के बॉलर्स ने। अगर हम देखें आज के डे में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही और फिर से ये एक और बार एक और साबित हुआ सारे बॉलर्स ने जो विकेट्स निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप विकेट्स नहीं निकालते तो यहाँ 120-130 तक शायद PNG पहुंच जाती, पर विकेट्स यहाँ बहुत जरूरी होते हैं T20 में निकालना, जो कि हमें फिर से एक और बार देखने को मिला। युगांडा ने 10 के 10 विकेट निकाले और प्रेशर बनाया, और दो चीजें जो उन्होंने की हैं, एक विकेट स्टंप टू स्टंप लाइन और बल्लेबाजों को रूम ना।
बिल्कुल वेस्टर्न बैंक में यही होता है, बहुत सिंपल सी कहावत है, यू मिस आई थिंक, बस वही देखने को मिला है कि आप मेरी एकदम स्टंप लाइन है, आप हिट करने जाइए, अगर आप मिस हुए तो आप बोल्ड होंगे, आईडब्ल्यू होंगे, बिल्कुल यही लाइन पकड़कर चले हैं युगांडा के बॉलर्स। चेस की तरफ चलते हैं, युगांडा के चेस की तरफ करें तो बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं थी, पूरी तरह से डगमगा गए थे और पीएनजी के बॉल्स का क्रेडिट देना होगा, उन्होंने जबरदस्त शुरुआत दिलाई पीएनजी को, माफ कीजिएगा, हाँ जी हाँ, पीएनजी को बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई और मेरे ख्याल से 9 रन तक आते आते 3 विकेट गिर गए थे और 25 रन तक 4 विकेट भी गिरने की टीम ने खो दिए, 35 रन तक 4-5 विकेट भी टीम ने निकाल दिए, लेकिन उसी बीच में रियाजत अली शाह की जो इनिंग थी वो बहुत बेहतरीन रही। देखिए इसी एंकर रोल की हम बात कर रहे हैं, ये T20 वर्ल्ड कप में यही रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वार्नर ने जो किया पहले इनिंग में, एक छोर संभाल के चले, फिर स्टॉनिस ने भी जब वो आए तो उन्होंने बहुत आराम से खेला, धीरे खेले, फिर उन्होंने जब रीडिंग करना शुरू किया फिर उन्होंने स्ट्राइक, यही पर होगा मैक्स राउट ने जो इनिंग खेली थी, इस तरह की इनिंग से यहाँ चलेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ट्रायलिंग ने जो इनिंग खेली थी टाइम लेना पड़ेगा, सिंगल से खेलना पड़ेगा, स्ट्राइक आउट करना पड़ेगा, ये रियाजत ने बखूबी किया है, बहुत इनके शॉट्स बहुत रहे, आप देखिए 33 रन में सिर्फ एक चौका उन्होंने लगाया, बाकी 29 रन उन्होंने सिंगल डबल से निकाले और बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका ये इनिंग रहेगा और ऑलरेडी मेमोरेबल इनिंग हो भी गई इनिंग की वजह से, T20 वर्ल्ड कप पहली जीत युगांडा को यहाँ पर हासिल हुई है। बाकी बैट्समैन ने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट जरूर किया लेकिन रियाजत अली शाह ने एक छोर संभाल के रखा, पता था कि स्कोर लो है, अगर मैं एक छोर संभाल के रखता हूँ और हम इस गेम को डीप लेकर जाते हैं तो हम मैच जीत जाएंगे, ये थॉट प्रोसेस रियाजत के इनिंग में कम से कम हमें देखने को जरूर मिला। लेकिन वहां तारीफ करनी होगी आयन छोटे छोटे पार्टनरशिप की, अल्पेश रमजानी ने 8 रन किए और जुमा मियाजी ने एक अच्छी पार्टनरशिप थी, जुमा मियाजी और रियाजत अली शाह की पार्टनरशिप में क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी और ये अगर नहीं होती तो शायद हम देख सकते थे कि रियाजत को और ज्यादा प्रेशर रियाजत पे बढ़ जाता, तो ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हुई है। छोटे मैच में आपको एक इतने ज्यादा क्रूशियल मैच में आपको बस थोड़ा सा चाहिए पुशअप, एक टच मिल जाए, 25-30 रन की पार्टनरशिप मिल जाए तो ये मैच का बेड़ा पार हो जाएगा। युगांडा के लिए यही वो पार्टनरशिप थी जिसने युगांडा के लिए जो है फेवर में पूरी तरीके से उस लाइन को, उन्होंने विनिंग लाइन को क्रॉस किया, बिल्कुल, और यही कहीं ना कहीं रहा और युगांडा ने इस मैच को जीता। रियाजत अली शाह और लोअर ऑर्डर के बैट्समैन का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहा है। पीएनजी के बॉलर्स की बात करें एन, सीधी सीधी सी बात है, बॉलिंग कार्ड यहाँ पर पूरा एन दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ एक जगह है जहां पर आप भी मानेंगे कि उन बॉलर को अगर विकेट मिलता तो यहां पर बात कुछ और होती और शायद उसी वजह से पीएनजी इस स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाया। हालांकि बहुत लो स्कोर था, बहुत बॉलर ने कोशिश की, पूरा विकेट उनको जाता है लेकिन एक विकेट से, जैसे आप कहते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिकल से ज्यादा वक्त तक काम नहीं चलेगा, और वैसे भी लो स्कोर में तो और नहीं, और वो है जॉन कैरी, 4 ओवर में 18 रन, बहुत अच्छी बॉलिंग लेकिन 0 विकेट जरूर है। और एक चीज और है जिस पे शायद ही कोई गौर करे लेकिन डेली क्रिकेट की नजर रहेगी और वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रास जो है वो यहाँ पर पीएनजी ने बहुत दिए, जी हाँ, ये गौर करने की बात है। आपने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई है, डिसिप्लिन बॉलिंग रही है, लेकिन इसे डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं कह सकते, जहां पर एक्स्ट्रास आ जाए वहां डिसिप्लिन बॉलिंग गायब हो जाती है। ये हम मानते हैं जितना हमने क्रिकेट देखा है, जितना समझा है, और एग्जैक्टली आप देखें 6 wide, 5 wide उसके बाद और एक्स्ट्रास यहाँ आई हैं, तो बहुत एक्स्ट्रास पर अगर कंट्रोल रहता तो वाकई में बहुत काम बनता पीएनजी के लिए। ये रन्स उन्होंने गिफ्ट में रिवॉर्ड में दिए हैं, इससे प्रेशर बनाया जा सकता था। इतना ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत होती है आपको जब आप वर्ल्ड कप जैसे इवेंट पर हैं, कोई गुंजाइश नहीं है। युगांडा ने सिर्फ एक नो बॉल डाली, कमाल, सिर्फ उसे कहते हैं ऑल डिसिप्लिन बॉलिंग, और उसका खामियाजा देखिए आप कि आप पीएनजी को आपने 77 पे ऑल आउट कर दिया। जरूर आप 78 पे 7 लेकर आए, आउटस्टैंडिंग रहा, लेकिन सॉरी कोई याद नहीं करेगा, ये अब आपके लिए एक एक फॉरगेटेबल मोमेंट हो चुका है पूरी तरीके से। तो अपने आप में पीएनजी ने ट्राई किया, एब्सोल्यूट ट्राई किया, बेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं, इस पर भी झांकने की जरूरत है कि ये डिसिप्लिन बॉलिंग कहीं से भी नहीं। बिल्कुल यार, बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया आपने, कहीं ना कहीं आपने मुझे करेक्ट किया यहाँ पर कि ये किसी भी सूरत में डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं है। 78 का आप टारगेट डिफेंड कर रहे हैं, 15 ऑलरेडी दे चुके आप एक्स्ट्राज में दे चुके हैं वाइड्स के थ्रू, क्योंकि वाइड में बाउंड्रीज भी गई, तो डेफिनेटली 15 दे चुके हैं, तो बिल्कुल भी ये डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस जरूर रहा है। और उसके बाद एक आध कैचेस भी पीएनजी ने छोड़ी है, वो भी कहीं ना कहीं उनके हार का यहाँ पर कारण जरूर बना, और बैट्समैन तो शुरू में रही है। तो पीएनजी का परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज के खिलाफ परफॉर्मेंस के बाद इस तरह का परफॉर्मेंस बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा, लेकिन युगांडा जो कि अपने
पहले ही वर्ल्ड कप में पीएनजी अब तक वर्ल्ड कप में 5 मैचेस खेल चुका है और अभी तक वो जीत दर्ज नहीं कर पाए, लेकिन युगांडा बहुत अच्छा चल रहा है, टी20 स्टेटस की टीम है और वो उनका एक अलग डिफरेंट तरीके का जरूर खेलते हैं। पीएनजी ने पिछले 4-5 साल में बहुत बड़ी बड़ी टीमों से खेला है मैचेस के लिहाज से, ओडीआई स्टेटस में उस लिहाज से बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस पीएनजी का यहाँ पर देखने को मिला है। कांग्रेचुलेशन युगांडा, वेल डन बॉयज, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और पहले T20 वर्ल्ड कप में आपको जीत के लिए बहुत बहुत मुबारक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब करिए, इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपको मिलती रहेगी यहाँ पर टाइम टू टाइम। बाय।